आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक कुंदर की स्थित लालपुर हमीर गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव के प्रधान आकिल हैं, जिन्होंने अपने गांव में बेहतर तरीके से विकास कार्य कराया है। गांव में आने वाले लाभों की बात करें तो गांव में प्रधान द्वारा सभी पात्रों को पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में जूनियर हाई स्कूल नदारदी दिखाई दिया, लेकिन प्राइमरी पाठशाला में लगभग 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। प्रधान ने बताया कि गांव में उनके द्वारा लगभग 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से लगभग 110 बिजली के पोल व 7 बिजली के ट्रांसफार्मर भी वर्तमान प्रधान ने अपने गांव में लगवाए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम ने जब ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और पाया कि उनके द्वारा गांव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, इसी के साथ सौर ऊर्जा से चले सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में शौचालयों का निर्माण करवाकर पात्रों को वितरित भी किया जा चुका है, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मुहिम में वे अपनी भागीदारी निभा सकें। उन्होंने गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से भी शौचालयों का निर्माण करवाया है। उनके द्वारा गांव में नाली व नालों का निर्माण भी किया जा चुका है, जिससे गांव में पानी की बदहाल स्थिति को सुधारा जा सके। वहीं एबीपीएस टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में पंचायत घर, शमशान घाट, बड़ा नाला, खड़ंजे, हैंडपंप, आवास, पानी की टंकी, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत का कार्य करवाया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी परेशानी से ना जूझना पड़े। नमस्कार, मैं मोहम्मद आकिल खान सनोर बाबूजी, ग्राम लालपुर हमीर कौशनोरपुर ब्लॉक कुंदर के थाना मनेठर डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में अभी तक मैंने बहुत सारे कार्य कराए हैं, बहुत सारा विकास कराया है। मैंने अपने गांव में अभी तक 4 खरंजे कराए हैं, नाली खरंजे, वो खरंजे जो आज तक किसी इतिहास में किसी ने कराए नहीं थे। मैंने 40 साल पुराने खरंजे अपने दौर में कराए हैं और ऐसे भी खरंजे कराए जो आज तक अभी हुए नहीं है, पहले से वो कच्चे हुए थे। और अभी तक मैंने 25 शौचालय बनाए हैं और 25 का आधा निर्माण हो रखा है। अभी तक उनका अमाउंट नहीं आया है, अमाउंट आते ही मैं और स्टार्ट करूँगा बनाने के लिए और उनको भी पूर्ण कराऊँगा। उसके अलावा मैंने जो मेरा गांव पिछले टाइम लोहिया आवास में था, लोहिया में था, तो उसमें लगभग काफ़ी कुछ गाँव के लिए आया था, बट उसके बाद अभी तक कुछ नहीं आया। और उसके बाद में गांव की जनसंख्या काफ़ी है, अभी प्रेजेंट टाइम में गांव समथिंग 8000-8000 पॉपुलेशन का है और गांव में इस समय सफाई की व्यवस्था थोड़ी कम है, क्योंकि सफाई कर्मचारी एक है और नाले खरंजे ज़्यादा हैं तो वो कवर नहीं कर पाता पूरे दिन। हालांकि सफाई कर्मचारी आता है, खूब आता है, अच्छा है, मनोज कुमार नाम है उसका। और इसके अलावा भी मेरे गाँव में लोहिया से काफ़ी चीज़ें लगी हैं, जब गाँव वाला लोहिया में था 2015-16 में काफ़ी चीज़ें लगी। और उसके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बाकी रह गई है, जिससे मैं गांव की पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहा। अब मैं चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट मेरे को कुछ और सेवा करने का मौका दे सरकार के लिए, गाँव के लिए, तो मैं करूँ। गाँव में भी मेरे बहुत कुछ बाकी रह गया, बहुत खरंजे ऐसे भी हैं जो आज तक इतिहास में कभी पड़े ही नहीं हैं, पूरे के पूरे कच्चे हैं, मगर लोगों को निकलना मजबूरी हो जाता है। मैं भी इस न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने वो आए, उन्होंने आके मेरी समस्या का सुलझानी चाहिए, समस्या का समाधान रखा कि क्या क्या समस्या है, मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा मैं कुछ और समस्या बताना चाहता हूँ। गाँव में अभी भी शमशान घाट वो बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी जो लैंड पड़ी है वो चारों तरफ से उसको काट रही है पब्लिक। अगर उसकी बाउंड्री हो जाएगी तो वो मतलब जो उनके आज चार पाँच तरह से खेत हैं वो लोग उसको नहीं काटेंगे,